जय हिंद मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले टीजीटी पीजीटी तैयारी करने के लिए आपके पास खुद का अपना जो सिलेबस है, अपने सामने सिलेबस रख लीजिएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी तैयारी करने के लिए सिलेबस आपके पास सबसे होना जरूरी है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी की जब हम बात करते हैं, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य अलग स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी जगह जैसे जो भी विषय क्षेत्र है उस विषय का जब सिलेबस अपने पास रखेंगे तो कहीं ना कहीं 10 यूनिट है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट में कहीं ना कहीं आप देखेंगे 6 से 7 यूनिट ऐसा होता जो सभी राज्यों में कॉमन आते हैं। 4 यूनिट होते हैं जो अलग होते हैं, केवीएस में अलग होगा, नवोदय विद्यालय में अलग होगा, डिप ट्रिपल एसपी में अलग होगा, या यूपी में अलग होगा, झारखंड में अलग होगा, मध्य प्रदेश में अलग होगा, लेकिन 7 यूनिट ऐसे होते हैं जो आपके लिए कॉमन मिलेंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, मतलब 70% जो सिलेबस होता है, 70 से 60% सिलेबस वो सभी राज्यों का कॉमन होता है। तो अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और बीएड हैं और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले अपने सामने अपना सिलेबस, अपना पाठ्यक्रम अपने सामने निकाल के रख लीजिएगा। उस सिलेबस के सभी यूनिट को अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा या उसकी प्रिंटआउट अपने पास रख लीजिए, और फिर जिन जिन राज्यों की तैयारी करना, जैसे नवोदय विद्यालय है, केवीएस है, डीएसएचबी है, या आर्मी पब्लिक स्कूल की आर्मी के भी पोस्ट आते हैं, और उसके अलावा अटल आवासीय है, कस्तूरबा गांधी है, यूपी की बात करें, यूपी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगी, तो इन सभी का जो सिलेबस है पैटर्न आप रख लेंगे, तो आप एक बात देखेंगे कि सभी का 70% जो सिलेबस है वो कॉमन होता है। 70% सिलेबस कॉमन होता है सभी जगह का। तो सबसे पहले 70% सिलेबस पर फोकस करिए। लेकिन दूसरी बात आती है कि क्या सिलेबस हम तैयार कर ले तो जो परीक्षा में सवाल आते हैं क्या वो सिलेबस से आते हैं? जी नहीं। जब भी हम पेपर देकर बाहर निकलते तब लगता है कि बहुत सारे सिलेबस प्रश्न ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन वास्तव में आउट ऑफ सिलेबस कैसे जाते हैं आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरी बात है एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, क्या हम टीजीटी और पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थी हैं वो पीजीटी की जो तैयारी करते हैं क्या उनके लिए भी एनसीईआरटी जरूरी है, इस पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि इस पूरा जो वीडियो है ना वो हमारा एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमेगा। अब हम बात करते हैं, जैसे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो सारे सवाल एनसीईआरटी से ही होते हैं, लेकिन वो सीधे सीधे नहीं पूछे जाते। उसका भी कारण यह है कि जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपका विषय है, जैसे आप सोशल से हैं या टीजीटी तैयारी कर रहे हैं, साइंस से तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी विषय से अन्य विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो जिस विषय से तैयारी कर रहे हैं उसकी एनसीईआरटी किस कक्षा से किस कक्षा तक आती है। जैसे जरूरी नहीं है कि सभी एनसीईआरटी 6 से 12 हो, कुछ ऐसे भी विषय हैं जो केवल 9 से 12 पढ़ने होते हैं, उन 9 से 12 की क्लासों में चलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल 11-12 के लिए होते हैं, 11 और 12 के लिए होते हैं, कुछ 9-10 के लिए होते हैं, कुछ 6-12 होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना विषय और उसका सिलेबस अपने पास रख लीजिएगा, और उसके बाद एनसीईआरटी पर फोकस करिएगा। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें ये हमारा भी पहला पॉइंट है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। दूसरी बात ये है टीजीटी और पीजीटी एक साथ कैसे तैयारी करें, इसके लिए भी मैं वीडियो में बात करूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन, पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन हो चुके हैं वो पेपर कैसे मिलेंगे और वो पढ़ना क्यों जरूरी है, इस 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसको पूरा इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो के बाद आपको ये लगेगा टीजीटी पीजीटी आपके बस का और आप करके सिलेक्शन ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को साझा जरूर करिएगा। पहली बात, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए। जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री की, अगर हम बात करें या ज्योग्राफी की बात करें, कक्षा 6 की जो हिस्ट्री होती है अगर केवल एक क्लास के लिए, तो उस कक्षा 6 का बच्चा पूरे साल उसको पढ़ा था, या हम और आप जब 6 में थे, या आज जो बच्चा 6 का है वो पूरे साल पढ़ता है। लेकिन अगर हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो फिर लगता है यार हमें एक साल में कैसे होगा। तो अगर आज जब इसको पढ़ते हैं तो अधिकतम इसको पढ़ने में 2 से 3 दिन, कोई कोई 1 दिन में ही पूरी एनसीईआरटी खत्म कर लेता है। तो अब कहेंगे सर जब 3 दिन में हम पढ़ सकते हैं तो हमारा टीजीटी और पीजीटी में यहां से प्रश्न कैसे आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें और हूबहू वहां से सवाल आ जाए, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी के बेस पर, उसके आधार पर प्रश्नों को घुमावदार बनाया जाता है, प्रश्न की कठिनाई स्तर लाई जाती है, लेकिन जो उसकी भाषा होती है, प्रश्न की समझने की भाषा, प्रश्नों की लिखने की भाषा, प्रश्नों की व्याख्या, प्रश्न की जो भाषा होती है, ये जो शब्दावली हो ना, ये जो शब्दों का जाल होता है ना, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। बेसिक अगर आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी हो, जैसे सपोज दैट ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी है तो 6 से 12 तक की जो क्लास है इसके एनसीईआरटी पूरा पढ़ने में तकरीबन आपको 1 महीने का समय लगेगा, मुश्किल से 30 दिन में आप इसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन सोचिए इस एनसीईआरटी की सीरीज, इस विषय को पढ़ने के लिए उस क्लास का बच्चा पूरे साल पढ़ता है, 6 वाला 6 में 7 8 9 10। लेकिन अगर आप उसे 4 घंटे 10 घंटे 20 घंटे में खत्म करना चाहते हैं तो सोचिए आपको पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। माने एक बार पहले एनसीईआरटी को पूरा कवर पढ़ लीजिए, पूरा एनसीईआरटी जो पढ़ सकते हैं। अगर किताबें पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं। अगर आपको एनसीईआरटी की नोट्स मिल जाए तो सबसे बेस्ट ये है कि एनसीईआरटी की नोट्स आप ले लें।
क्योंकि एनसीईआरटी ओल्ड न्यू, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी जो अब आया उसमें बहुत सारे चैप्टर्स कम हो गए हैं, ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर ज्यादा, इसके और ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर के साथ साथ चैप्टर बड़े बड़े थे, माने तथ्य ज्यादा थे। तो इसलिए जो एनसीईआरटी के नोट्स ई-लर्निंग में दुर्गेश पर भी है, जो आपको ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी और आज की जो एनसीईआरटी है, ये तीनों एनसीईआरटी का एक साथ एक ही जगह नोट्स मिल जाएगा, तीन अलग अलग किताबें आपको एनसीईआरटी की नहीं पढ़नी पड़ेगी, तो चाहे तो ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए एक बार की एनसीईआरटी के पूरे नोट्स को पढ़ लीजिए, दूसरी बार क्या करिए, दूसरी बार एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, लेसन का नाम डालिए, अब उसमें जो जो बिंदु आपको लग रहा है, पूरी कहानी की तरह एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी की अगर बात करें तो पूरी कहानी है। अब जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं पूरी थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम कक्षा 9 की इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं 10 की पढ़ते हैं तो लगता है यार ये इकोनॉमी में तो पूरी कहानी है, लेकिन उस कहानियों में शब्दों का जाल बुना होता है, उन्हीं कहानियों में हमारे आने वाले टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के प्रश्न होते हैं। साइंस की बात करें साइंस में भी सेम ऐसे है, लेकिन वो प्रश्न घुमावदार होते हैं। तो दूसरी बात जब एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे तो उसके जो अहम अहम बिंदु आपको लगते हैं, जैसे आप नोट्स बना रहे, नोट्स लिए तो ठीक है, किताब ली है तो उसमें से भी सॉर्ट करते चले, नोट्स में भी क्या करिए इंपॉर्टेंट बिंदु को सॉर्ट कर लीजिए। जब आप उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसे रिविजन करना होगा दोबारा, तो जब आप उसकी किताब को पढ़ेंगे उस चार लाइन को, तो कहानी अपने आप आपके पूरे दिमाग में आपके जहन में आ जाएगा। जैसे अगर मैं पूछूं आपका कमरा कहाँ जहाँ पर आप सोते हैं, तो कमरा का ध्यान में रखते कमरे की पूरी बाउंड्री आपको आ जाएगी, पूरी दीवार आपके सामने आ जाएगा, आपकी घड़ी कहाँ है, आपका बैग कहाँ रखता है, आपका कपड़ा कहाँ रखता है, आप कहाँ सोते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपका कमरा कैसा है या आपके कमरे में कहाँ सोते हैं, तो उसके साथ आपका तक जो बिस्तर है वो भी आपके दिमाग में बन जाएगा। तो एनसीईआरटी भी ऐसे ही है, जब हम उसके की पॉइंट को पढ़ते हैं, जब उसके की पॉइंट को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो एक बस मन में आता है उसके की पॉइंट से हमें पूरे एनसीईआरटी का लेसन हमारे दिमाग में छप जाता है। तो उसके बाद एक बार आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया, दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिख लेंगे, तो अब दो बार आपने पढ़ लिया तो इससे क्या होगा 70% एनसीईआरटी आपके दिमाग में छप जाएगी। लेकिन अब एनसीईआरटी से सवाल कैसे आते हैं ये महत्वपूर्ण है, कि भैया एनसीईआरटी हमने एक बार पढ़ लिया, दोबारा मैंने नोट्स बना ली की पॉइंट से, लेकिन इसमें सवाल कैसे बनेंगे, क्योंकि कठिनाई स्तर आप देख रहे हैं हाल की परीक्षाओं में देखिए कठिनाई स्तर बहुत ही ज्यादा रख दी गई है, और उस कठिनाई स्तर तक पहुंचने के लिए सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा अब प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे अलग अलग प्रकाशन के आते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो बहुत में त्रुटियां मिलती है, जितने भी प्रकाशन आते हैं लगभग, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन 1, 2, 4 पर हर जगह त्रुटि रहती है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस किस यूनिट से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर 2016 में उस यूनिट से 12 क्वेश्चन आए हैं तो 18 में भी 12 ही आएंगे, कभी 15 है, कभी 14 है, कभी 13 है, कभी 28 भी हो सकता है। तो हर यूनिट से एक माइंडसेट आपका बन जाएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं, कौन कौन से यूनिट आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कौन कौन से यूनिट आपका तैयार है, किस पर से सवाल आने पर गलती नहीं होती है। तो आपको अगर 10 यूनिट पढ़नी है, चाहे वो टीजीटी परीक्षा हो चाहे पीजीटी की परीक्षा, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, जो भी यूनिट आपको पढ़ना है उस यूनिट की जब आप प्रीवियस ईयर पेपर अपने साथ रख लेंगे तो आपके सामने एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 10 यूनिट में से कौन से यूनिट आपको कठिन है, कौन से यूनिट सरल है। हो सकता है 4 यूनिट आपको लग रहा है यार मेरा कवर है, इससे सवाल आएंगे तो गलत नहीं होंगे। अब आपको किस पे तैयारी करनी, अब आप 6वां यूनिट जो है, जो यूनिट आपको वीक लग रहा है उस पर आपको फोकस करना है, इसको रिविजन करना है, इसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, इसके मॉडल पेपर पर काम करना है। तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको सिलेक्शन दिला सकती है, आपको वो रास्ता बताएगी, लेकिन जब प्रीवियस ईयर आप पढ़ लेंगे तब आपको लगेगा यार ये चित्र तो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था, ये प्रश्न तो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था, ये लाइन तो मैंने एनसीईआरटी में देखी थी, ये प्रश्न का जो पैराग्राफ है ये मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ेंगे तब आपको लगेगा यार ये तो एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है, ये पूरे एनसीईआरटी को ही कवर करते हैं, तो फिर अभी तक हम किताबों के जाल में क्यों पढ़े, पूछते सर मैं इसीलिए कौन सी किताब खरीदूं, तो भैया किताब मार्केट में बहुत सी हैं। जब इतनी चीजें पढ़ लेंगे तो जब मार्केट में किताब खरीदने के लिए जाएंगे, जब किताब उठाकर उसके पेज को पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा अरे यार इस किताब से तो प्रश्न ही नहीं आ रहे, इस किताब से प्रश्न आ रहे, इस किताब से प्रश्न आ रहे। तो अब आपको किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस राइटर की किताब पढ़नी है, कौन से किताब से आपके प्रश्न आएंगे, क्योंकि अब आपको ये पता हो गया है कि भैया एनसीईआरटी पढ़ लिया हमने, और एनसीईआरटी पढ़ने में जब प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिया तो प्रीवियस ईयर पेपर एक चीज आपको पता चल गया कि कितने प्रश्न एनसीईआरटी से आते हैं, कितना आपका तैयार है, और ये प्रश्न कहां कहां से पूछे जा रहे हैं। तो एक आपका पूरा जो डायग्राम है ना तैयार हो जाएगा, एक चार्ट आप बनाकर अपने सामने रख लीजिए घर के, अपने दीवार पर जहां पढ़ते हैं, अपने स्टडी टेबल पर, तो उससे
आपकी भविष्य की जो रणनीति है, भविष्य की जो तैयारी है, इससे आसान हो जाएगा। कुछ लोग ग्रीप होम साइंस के होंगे, कुछ मैथ होंगे, कुछ साइंस के होंगे, पीजीटी की बात करें फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री कॉमर्स के भी स्टूडेंट होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम में होंगे, कुछ हिंदी मीडियम में। एनसीईआरटी के दोनों मीडियम के नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे उपलब्ध है, आप उनकी ऐप पर जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। दूसरी बात, टीजीटी पीजीटी की तैयारी साथ में कैसे कीजिए, क्या ये पॉसिबल है? पहली बात तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक इसमें कुछ सच्चाई भी छिपी होती है। टीजीटी का लेवल थोड़ा सा कम होता है, पीजीटी का लेवल थोड़ा सा हाई होता है। अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी एक साथ तैयारी की जा सकती है, क्योंकि दोनों के लिए एनसीईआरटी अहम है, टीजीटी के लिए भी पीजीटी के लिए। कहा जाता है टीजीटी के लिए केवल 10 तक एनसीईआरटी पढ़िए, कक्षा 10 तक की, और पीजीटी के लिए 12 तक की। लेकिन मैं ये कहूंगा कि दोनों के लिए आप कॉमन 12 तक की, 12 तक की पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ डालिए। कुछ सोशियोलॉजी है उसे केवल 11 12 आते हैं, 11 12 को फोकस कर लीजिए, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन है केवल 11 12 था, 11 12 को पढ़ लीजिए। तो मतलब जहां जहां जो जो आते हैं उनको आपको पढ़ना है। जैसे 9 10 11 12 में अगर हम बात करें, साइंस जो है 6 12 पढ़ना है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री ये 6 12 पढ़ लीजिए। तो यहां से अब टीजीटी पीजीटी का सिलेबस अपने पास रख लीजिए, दोनों की तैयारी एक साथ कैसे की जा सकती है, दोनों के सिलेबस आप रख लीजिए। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए सोशल रखे हैं, सोशल में कोई दो सब्जेक्ट है, अगर यूपी की बात करूं आपने कोई दो लिया, अब यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी आपने या इकोनॉमिक्स ले लिया, अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स के साथ आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, अब यहाँ पे केवल इकोनॉमिक्स पढ़ना है। अब देखेंगे दोनों के सिलेबस में कॉमन कुछ चीजें मिल जाएंगी, दोनों के सिलेबस जैसे इसकी ज्योग्राफी इसकी ज्योग्राफी में कॉमन मिल जाएगा। तो जो चीजें कॉमन है वो एक साथ पढ़ लीजिए, लेकिन जो चीज लग रहा है कि अलग टॉपिक है, ये टीजीटी में पीजीटी में नहीं, पीजीटी में टीजीटी में नहीं, उसको एक अलग पेज पे लिख लीजिए। तो जो कॉमन है उसे पूरा तैयार कर लीजिए, फिर उस टॉपिक के प्रश्नों को सॉल्व करिए, अब इसको तैयारी करिए। तो इससे क्या होगा, आप पूरी तरह से सुलझ जाएंगे। अभी तक उलझे हैं, कभी दो दिन टीजीटी पढ़ते हैं, दो दिन पीजीटी पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो सवाल टीजीटी में पूछते हैं उस विषय का पीजीटी में ना पूछे। हो सकता है कि पीजीटी वाला सवाल टीजीटी में पूछ ले, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं हूबहू पूछ ले जाते हैं, एक प्रश्न के चार विकल्प होते हैं, हो सकता है किसी विकल्प से भी प्रश्न बना दिया जाए। इसलिए इन सभी प्रश्नों की व्याख्या भी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। और मार्केट में किताबें आती है उसमें प्राय क्या होती है, एरर भी मिलता है, एक दो सवालों में एरर मिलता है। तो आपने उस सवाल को बैठ के पढ़ लिया, आप परीक्षा में भी जाके गलती कर लेंगे, कई बार आपस में बहस हो जाती है। हम लोग भी पढ़ाते हैं तो हम लोग भी सीरीज किताबों को पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं, तो कई बार गलत पढ़ते हैं, त्रुटि भी हो जाती है, कहते अरे इसको क्या रहा है। ये नहीं है कि ये 90% सही बता रहा है, 10% 1% त्रुटि हो जाती है, ह्यूमन एरर होता है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, केवल टीचर के साथ ही नहीं होता, ये आपके साथ भी हो सकता है। कुछ चीज ऐसी जो आप गलत पढ़ पाए और वहां पे भी गलती कर जाए। तो एनसीईआरटी पढ़ने पर अब जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे तो कुछ माइंडसेट आपका बन जाएगा, कोई चीज ऐसी होंगी जो आपको लगेगा हाँ यार मैंने तो पढ़ ली थी, ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैं जानता हूं, इसका तो ये है। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी आपके लिए बेहद जरूरी है। अब आता है कि सर मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूं, मुझे इंग्लिश मीडियम में कहां से मिलेगा? तो उसके लिए भी आप नोट्स के लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश का जो ऑफिस का नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। यहां से आपको संपूर्ण जो नोट्स है वो मिल जाएगा, मेरी भी निःशुल्क क्लासेज रहती है, एनसीईआरटी की सीरीज भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब पर चल रहा है। आप कहेंगे तो विषयवार सभी विषय की हम क्रमवार लाएंगे 6 से लेकर 12 तक, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी बायोलॉजी भी होगी, साथ में कॉमर्स के भी सब्जेक्ट होंगे, फिर मैथमेटिक्स पूरी होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, और इस समय सिविक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आगे चल के इकोनॉमिक्स भी होगी, मैंने सभी सब्जेक्ट होंगे, लेकिन भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और आप चाहते हैं एक साथ पढ़ना तो यहाँ पर ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप है, वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे दोनों के 6 से 12 तक के नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे, और वो नोट्स आपके लिए बहुत ही अहम है। आप चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ही वहां से पढ़ता हूं, और एज ए गेस्ट के रूप में जब भी मुझे समय मिलता है मैं आके ई-लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। मैं चाहता हूं कि देश हित में राष्ट्र हित में जो शिक्षा है वो आप तक भी पहुंचे और आप इससे लाभ ले सके। तो एक बात समझ लीजिए, मैं फिर से सारी बातों को एक लाइन में अगर मैं समझाना चाहूं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है, बेसक हो कच्चा अच्छा का बच्चा अच्छा में पढ़ता हो, 9 का बच्चा 9 में पढ़ता हो, लेकिन आपको उससे होकर ही हो जाए। तो जब एक बार एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, दोबारा उसके की पॉइंट बना लेंगे, तो 70% एनसीईआरटी आपके दिमाग में छप जाएगी। उसके बाद जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी का इस्तेमाल इस पेपर में कैसे हुआ, कैसे शब्दों के जाल इसमें से बुने गए हैं। दूसरी बात समझ में आएगी वीक जोन आपका क्या है, पढ़ने को पढ़ते रहिए पूरा समय, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं है तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी पढ़ाई में कोई दम था। अगर आप सेलेक्ट हो गए अच्छे बच्चे हैं, नहीं सफल हुए और असफल रह गए तो ये होता है यार आपकी मेहनत में कमी रह गई। मेहनत का अंदाजा तभी लगाया जाता जब आप सफल हो गए। तो एक
सिलेबस से आपके निकल कर आ गया कि ये यूनिट आपके सवाल सही हो रहे हैं, इस यूनिट के सवाल सही नहीं हो रहे, तो आपका वीक जोन स्ट्रॉन्ग जोन दो जोन मिल गए। वीक जोन जो है उस पर आप पढ़िए, उसे अलग अलग किताबों उस टॉपिक को अलग अलग जगह से पढ़िए, नोट से पढ़िए, एनसीईआरटी में पढ़िए, उसके अलावा मार्केट में जो किताब है उससे पढ़िए, और जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उसे रिवीजन करिए। रिवीजन करने के लिए प्रैक्टिस सेट पर फोकस करिए, उन टॉपिकों को प्रैक्टिस करिए ताकि वो भूले ना, और नया आपके पास वीक जोन स्ट्रॉन्ग जोन भी होता रहे। उसके बाद जब भी परीक्षा में जाएंगे आप कम से कम गलतियां करेंगे, सिलेक्शन के बेहद करीब पहुंच जाएंगे। यहां पे तो आपने देखा कि हमें सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ना है, टीजीडी पीजीडी एक साथ हम तैयारी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे यूनिट एक जैसे होते हैं और कहा जाता है कि 60% सिलेबस भी मिलते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों की बात करें तो 70-80% सिलेबस लगभग हर राज्यों को आपको मिल जाते हैं। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर पेपर की भूमिका आपको मैंने पहले बता दिया कि प्रीवियस ईयर पेपर की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से खूब झोला भर भर के सवाल आते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ही सिलेक्शन का सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि यहां से आपको प्रश्न आने की जो संभावना है, क्योंकि आपने भी देखा होगा 30% सवाल रिपीट होते हैं, मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर में हो चुके हैं वो रिपीट किए जाते हैं। अब आप कहेंगे सर मैंने तो यूपी के परीक्षाओं के टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पढ़ लिए, अरे भैया बिहार के भी पढ़ लो, राजस्थान के भी पढ़ लो, झारखंड के भी पढ़ लो, मध्य प्रदेश के भी पढ़ लो, उत्तराखंड के भी पढ़ लो, अगर आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहा है तो अलग अलग राज्यों का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जामिनर जो है वो इस बार यूपी का हो सकता है, कुछ क्वेश्चन वहां से उठा दे, तो जो क्वेश्चन रिपीट होंगे वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो आपको उन चीजों पर, उन छोटे छोटे टॉपिकों पर, छोटे छोटे बिंदुओं पर काम करना है, और अगर आपने ऐसा किया तो आपको सिलेक्शन से भी कोई रोक नहीं पाएगा। पर आपने देखा यूपी में टीजीटी के लिए इंटरव्यू भी खत्म है, पीजीटी के लिए इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में जो सवाल भी पूछे जाते हैं उनको उत्तर देने का जो शब्दों का जाल होता है ना वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो घुमा फिरा के ना एनसीईआरटी आपकी बेस है, टीजीटी पीजीटी हो, सिविल सर्विसेज हो, नीट की तैयारी हो, मतलब आपने देखा होगा अगर आपको अपने भविष्य में सरकारी नौकरी करनी है तो ये रास्ता एनसीईआरटी से होकर गुजरता है, क्योंकि एनसीईआरटी आपने 6 से 12 तक पढ़ लिया ये माना जाता, और एनसीईआरटी को पूरा बेस बनाकर ही भारत में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करें, सभी के लिए एनसीईआरटी अहम होता है, लेकिन एनसीईआरटी की नोट्स एक ही जगह एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर 6 से लेकर 12 तक के हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, और अभी हाल में वहां से पीडीएफ इसका उपलब्ध है। और मैंने आपको पहले बताया इसकी ओल्ड एनसीईआरटी बहुत जरूरी होती है, ओल्ड और न्यू, क्योंकि कुछ लोग केवल न्यू एनसीईआरटी, मार्केट में जो किताबें आ रही हैं वो न्यू एनसीईआरटी के, उसमें बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं, जो लेसन्स हैं वो कम हो गए हैं, और लेसन्स कम हो गए तो आप कम पढ़कर जाएंगे। अब ये भी जरूरी नहीं है कि कम पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, अब मैं कह रही कि एनसीईआरटी पढ़ लो उससे प्रश्न आते हैं, लेकिन अब जो प्रश्न पूछा जाता है एनसीईआरटी से उसकी कठिनाई स्तर बढ़ाकर पूछे जाते हैं, प्रश्न तो वहीं से उठाए जाते हैं, भाषा वहीं से होती है, तो प्रश्नों की भाषा, बहुत सारे प्रश्न एकदम सरल होते हैं लेकिन भाषा में समझ में नहीं आते परीक्षा में, तो प्रश्नों की भाषाएं आपकी जो होती हैं वो डिकोड हो जाएंगी और आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। इसलिए ये मेरा सुझाव था, मेरा व्यक्तिगत सुझाव, माने या ना माने आपकी मर्जी, लेकिन मैं ये कहूंगा आप इन छोटी छोटी तथ्यों पर काम करिए, चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, सभी के लिए यह वीडियो काफी अहम था। अगर लग रहा है ये वीडियो आपके काम का है, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा जो आपके साथ टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुंचाइएगा जिन्हें चाहते हैं कि आप वो भी कल को सफल हो जाएं। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, वैसे आपकी मर्जी, वीडियो को लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, लेकिन लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया है उनका दिल से थैंक यू, भगवान आपका भी भला करे और आप सिलेक्शन, और उसके लिए एनसीईआरटी एक सेतु का काम करती है, एक पुल का काम करती है। वैसे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि एनसीईआरटी का योगदान कितना है। हो सकता है आपको प्रत्यक्ष योगदान न दिखे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि एनसीईआरटी आपके सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी चाबी और सबसे बड़ी सक्सेस की है। तो एनसीईआरटी सक्सेस की है, इस पर फोकस करिए। और अगर इसके टीजीटी पीजीटी के नोट्स भी उपलब्ध हैं, अगर आपको लग रहा है कि टीजीटी पीजीटी के नोट्स आपको चाहिए तो वो भी आप ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नोट्स से पहले मैं ये कहूंगा कि आप लोग सबसे पहला जो काम है वो एनसीईआरटी पर फोकस करें। एनसीईआरटी के भी नोट्स है क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, और चाहते हैं कम में तैयारी करना तो पीडीएफ में भी आप ले सकते हैं, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी उपलब्ध है। और टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम पर एनसीईआरटी क्लास की जो वीडियो है डेली की डेली आती है, उसके लिए आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए। जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सभी क्लास की
जो सीरीज है वो मिलती रहेगी, पीडीएफ नोट्स भी यहाँ से मिलते रहेंगे और मेरी निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशी मराठी यहाँ से मिलती रहेगी। अच्छा, अगर आप बताएं कि टीजीटी पीजीटी के लिए किस विषय की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा विषय आपकी पीजीटी का है और टीजीटी कौन सा विषय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, और अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे मुझे और भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए हमेशा बेहतर और बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। कभी कभी नोट्स में थोड़ा बहुत इरर आपको मिल जाएगा, मात्रात्मक त्रुटि टाइप होती है नोट्स, तो टाइप करने में कभी कभी मात्रात्मक त्रुटि आ जाती है, आप उस मात्रात्मक त्रुटि को किसी की योग्यता से मत जोड़ दीजिएगा कि सर यहाँ पे का को लिखा गया था, तो टाइपिंग इरर होती है जब उसको फॉर्मेट को चेंज किया जाता है पीडीएफ में, तो क्या होता है कि फॉन्ट होते हैं तो फॉन्ट में कोई बदलाव आ जाता है, तो कहीं कहीं उसमें मात्रात्मक त्रुटि मिल जाएगी, प्राइस में नहीं मिलेगी लेकिन उसमें मिल जाती है क्योंकि हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में टाइप है, तो कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत एरर मिल जाएगा और एरर पकड़ में आ जाएगा, जैसे कि सिराज जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है तो सिराज हिंद में जो कामा कहीं लगा है, सिराज हिंद को छह, मतलब कहीं की मात्रात्मक त्रुटि मिलेगी, कहीं कॉमा नहीं लगा है, कहीं पूर्ण विराम सही जगह पर नहीं लगा है, ये थोड़ी मोटी त्रुटि मिलेगी, ये कॉमन एरर है, लेकिन आपको फैक्ट चीजें मिलेंगी, एक ही जगह आपको मिल जाएगा, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का जो पूरा नोट्स है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिल जाएगा, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी। अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल ई-लर्निंग में दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछेगा। अच्छा लगा मुझे आपके साथ इस वीडियो को शेयर करके, आप सभी का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, एनसीईआरटी पर फोकस करिएगा, एनसीईआरटी आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी, आपके सपनों को साकार करने में एनसीईआरटी की भूमिका सर्वोपरि होगी। थैंक यू।